गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ टू इम्प्रूव आवर इम्यून रेस्पॉन्स एंड हाउ टू फाइट अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इम्यून होता क्या है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी होती है जो फाइट करती है अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब डिजीज़ क्या होता है? डिस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि मुश्किल, और ईज का मतलब आसानी, यानी आसान काम मुश्किल हो जाना, उसको कहते हैं हम डिजीज़। इसी को हम बीमारी कहते हैं। जैसे डाइजेशन है, आपका डाइजेशन आराम से हो रहा है तो आप क्या हैं? हेल्थी हैं। अगर आपका डाइजेशन मुश्किल से हो रहा है तो आप क्या हैं? बीमार हैं। तो आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसके सीड से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज रहता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से हार्ट की डिजीज़, हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। इसके साथ ही जिनको कंस्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज़ वगैरह की, उसमें भी ये सीड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जॉइंट पेन, बैक पेन, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर हेमोरॉइड पाइल्स, और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को लोअर करने के अंदर ये हेल्पफुल है। तो उस सीड का नाम है ब्लैक सीड, जिसका बायनोमियल नेम है, साइंटिफिक नेम, नाइजेला सेटाइवा। इसको हम ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, नाइजेला और सेटाइवा। नाइजेला जो है आपका, ये एक जीनस है जिसका मतलब होता है ब्लैक, लैटिन वर्ड है ब्लैक। और सेटाइवा ये स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज़ है इसकी, जिसका मतलब होता है कल्टीवेटेड। ठीक है, एक पर्शियन फिजिशियन थे जिनका नाम था एविकेना, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, मेडिसिन की बुक में, कि जो नाइजेलिया सेटाइवा है वो ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल है। किसके अंदर? डिस्पेनिया के अंदर। कौन सी डिजीज़ बताई थी उन्होंने? डिस्पेनिया। अभी डिस्पेनिया होता क्या है, डिस्पेनिया को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। डिस्पेनिया को हम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, यानी कि ब्रेथलेसनेस, जिनको प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसको, इसी को हम डिस्पेनिया कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जो जिस इंसान को, जिसको बीमारी होती है, वो सही से सांस ले नहीं पाता, बहुत प्रॉब्लम होती है उसे डिस्पेनिया के अंदर। तो ये डिस्पेनिया के अंदर ब्लैक सीड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये किन्होंने बताया था? पर्शियन फिजिशियन एविकेना ने बताया था। ओके, अब ब्लैक सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके अंदर लिनोलिक एसिड होता है, इसके साथ ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ट्रांसएनर्थेलिक एसिड। इसके साथ ही बहुत सारे माइनर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे नाइजेलिन और नाइजेलिडीन, इसके साथ ही नाइजेलेमीन, और एन ऑक्साइड एरोमेटिक इंक्लूड्स थाइमोक्यूनोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके साथ ही डाईहाइड्रोमोक्विनोन, फिर पाइसाइमीन, केरवेक्रोल, अल्फा थ्यूजीन, थाइमोल, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन, इसके साथ ही ट्रांसएनेथोल और प्रोटीन और वेरियस टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें 100 ग्राम ब्लैक क्यूमिन के अंदर कैलोरी आपको मिलेगी 345, और टोटल फैट इसके अंदर 15 ग्राम मिलेगा आपको। इसके साथ ही अगर फैट की बात करें तो सैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसे पूफा कहते हैं वो 1.7 ग्राम आपको मिलेगा। साथ ही साथ मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसे मूफा कहते हैं वो आपको 10 ग्राम मिलेगा। उसके साथ ही ब्लैक सीड के अंदर सोडियम होता है आपका 3%, पोटेशियम 48% होता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट आपको 17% मिल जाता है। डाइट्री फाइबर्स, जिनको डाइजेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, डाइट्री फाइबर्स होता है इसके अंदर। इसके साथ प्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ विटामिन ए 2%, विटामिन सी होता है, उसके साथ ही विटामिन डी भी होता है, विटामिन B6, साथ साथ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी होता है इसके अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर थाइमोक्यूनोन होता है, जो भी ऊपर भी बताया था मैंने। थाइमोक्यूनोन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है जो इसके अंदर 30-48% तक रहता है। ब्लैक क्यूमिन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं पावरफुल इफ़ेक्ट हेल्थ और डिजीज़ के अंदर, ठीक है, और बहुत सारी डायबिटीज़ के अंदर, हार्ट डिजीज़ के अंदर, ओबेसिटी के अंदर भी ये हेल्पफुल होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इसके अंदर एंटी कैंसर इफ़ेक्ट होता है, एंटी फंगल इफ़ेक्ट होता है,
एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट, एंटी वायरल इफेक्ट, एंटी डायबिटिक इफेक्ट, एंटी अल्सर इफेक्ट और एंटी ऑक्सीडेंट अभी बताया था आपको। एंटी अल्सर की बात करें तो स्टमक के अंदर ये अल्सर क्रिएट होता है बैक्टीरिया की वजह से, हेलियोबैक्टर पाइलोरी नाम है इसका, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है आपका अल्सर क्रिएट करता है। तो अगर ब्लैक क्यूमिन को देखा गया है कि इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो कुछ बैक्टीरिया होता है मिथेलिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकस ऑरियंस के नाम से, इसके अंदर भी ये हेल्पफुल देखा गया है ब्लैक क्यूमिन। और मेंटल इलनेस अगर किसी को है, इसके साथ ही आपने ये जो जान ही लिया बैक्टीरियल फंगल पैरासाइटिक वगैरह के बारे में, ठीक है। फिर लास्ट में इट्स माय हार्टेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ कम फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड स्टिल आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं है ये किस लिए है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इस फील्ड में आगे आएंगे रिसर्च फील्ड के अंदर, तो आप बहुत सारी चीज़ों को नई नई चीज़ें डिस्कवर कर पाएंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच।